सुप्रभात बच्चों, पिछले क्लास में आपने सीखा था सर्वनाम। सर्वनाम ठीक है। अभी आज हम सीखेंगे क्या है, नया वाला पद। पद का नाम है जागो प्यारे। जागो प्यारे मीन्स जागो मीन्स वेक अप, प्यारे मीन्स बेटा। प्यार से बुलाया जाने वाला शब्द है प्यारे। जैसे कि यदि आप जानते हैं कि सुबह सुबह आपको नींद गहरी लगी हुई रहती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई, ठीक है, तो आपकी मम्मा आपको उठाने के लिए आती है। उठो बेटा, उठो स्वीटी, उठो शानू, उठो सोना, ऐसे करके आपकी मम्मी आपको कहती है, ठीक है। तभी आप जाके आपकी आंखें खोलते हैं, तब आप उठते हो, ठीक है। आज है एक ऐसी कविता है, पद है, उसके बारे में आज हम उसकी मम्मा उसको क्या क्या कह रही है और क्या उठाने के लिए कौन से बातें कह रही है, ये आज हम जान लेंगे कविता के द्वारा, ठीक है। मैं एक बार पद पढ़ूंगी, पद पढ़ने के बाद आपको उसका विस्तार बताऊंगी, ठीक है। देखिए, जागो प्यारे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छतरी पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसे सुंदर समय ना खो मेरे प्यारे, अब मत सो। ये पद लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, ठीक है। कवि ने यहाँ लिखा है कि कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले पंक्ति में क्या कह रही है माँ, उठो लाल अब आंखें खोलो, मीन्स वेक अप अ बेबी या वेक अप चाइल्ड, ओपन योर आईज। पानी लाई हूँ मुंह धो लो, आई ब्रॉट वाटर, वॉश योर फेस। बीती रात कमल दल फूले, बीती रात मीन्स नाइट ओवर, और कमल दल फूले लोटस दल, लोटस कमल मीन्स लोटस, दल मीन्स पेटल्स, और क्या है फूले, फूले मीन्स स्लोवन। उनके ऊपर भंवरे झूले, उनके ऊपर में जो पेटल्स है, फ्लावर्स के पेटल्स है, उनके ऊपर क्या है भंवरे, भंवरे मीन्स बम्बल बीज, बम्बल बीज वो जो है उसके ऊपर हैंग कर रहे हैं। जैसे देखते हो ना बटरफ्लाई फ्लावर को जाके चूमते हैं, उसी तरह ही बम्बल बीज क्या कर रहे हैं, कमल के पेटल्स को जाके ऐसे हैंग कर रहे हैं, और यानी कि उसको टच करके, टच करने जैसा एक सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि पहला पैरा में क्या है, आप समझिए आपकी मम्मा आपको उठा रही है। उठो लाल, उठो लाल मीन्स उठो बेटा, गेट अप बेटा, गेट अप सन। अब आंखें खोलो, गेट अप सन, गेट अप नाउ, ओपन योर आईज। पानी लाई हूँ मुंह धो लो, आई ब्रॉट वाटर, वॉश योर फेस। बीती रात कमल दल फूले, बीती लास्ट नाइट लोटस के पेटल्स जो है फूल रहे हैं, सुबह हुई है। उनके ऊपर भौरे झूले, ऑन दैट, ऑन दैट बम्बल बीज आर हैंगिंग और फ्लाइंग, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट प्यारा का सारांश। अभी मैं यहाँ पे जो इस प्यारा में या इस पंक्ति में जो कठिन शब्द आए हैं उनका यहाँ पे मैं अर्थ लिखूंगी, या तो ट्रांसलेट करके आपको शब्द का
अर्थ लिखूंगी, उसको आपको अपने क्लास वर्क में उतारना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गए शब्द के अर्थ। ये देखिए एक पैरा में कितने शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं ताकि आपको जानने के लिए आसान हो, ताकि इंग्लिश में या कन्नड़ में माफ कीजिए हिंदी में बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए आपको आसान वर्ड मिल सके, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। शब्द शब्दार्थ, उठो मीन्स गेट अप, लाल मीन्स सन, अब मीन्स नाउ, आंखें मीन्स आईज, खोलो मीन्स ओपन, पानी मीन्स वाटर, लाई मीन्स ब्रॉड, मुंह मीन्स फेस, धोलो मीन्स वॉश, बीती मीन्स लास्ट और पास्ट, रात मीन्स नाइट, कमल मीन्स लोटस, ठीक है, दल मीन्स पेटल, फुले मीन्स फोलन, ऊपर मीन्स ऑन दैट, ऑन फूलों के पेटल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद भौरे, भौरे मीन्स क्या है, बम्बल बीज, झूले मीन्स हैंगिंग और स्विंग। ये हो गए एक प्यारह के कठिन शब्द, आपको अपने क्लास वर्क में ये उतारना है। ठीक है, चलिए अभी दूसरे प्यारा की तरफ चलते हैं। अभी दूसरा प्यारा है जो वो देखे ध्यान से, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा आती सुंदर, अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छतरी पाई। यहाँ पे क्या है, चिड़िया मीन्स क्या है, बर्ड्स, हाँ, चहक मीन्स आवाज गुनगुनाना, ठीक है, उठी पेड़ों पर, यानी कि उठी मीन्स पेड़ रहते हैं, पेड़ों पर चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, ठीक है, तो घोंसले से वो बाहर उठकर इधर उधर चहक रही है, यानी कि वो भी घूम रही है, उसका आवाज़ खिलखिलाहट ज़्यादा है, तो यहाँ है पेड़ों से उड़कर वो क्या कर रही है, यानी कि चहक रही है, इधर उधर घूम रही है, आवाज़ कर रही है, देखने के लिए वो अच्छा लग रहा है। बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी मीन्स हवा आती है ना, जोर से हवा आने पर कैसे फ्लोइंग, इज फ्लोइंग वेरी ब्यूटिफुली, हवा क्या हो रही है, अति सुंदर बह रही है। और नभ में प्यारी लाली छाई, इन द मॉर्निंग वाइब्स यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी ऑसम, ब्यूटिफुल नेचर यू कैन सी इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock और 5:30 o'clock, इन द मॉर्निंग। नभ में प्यारी लाली छाई, नभ मीन्स क्या है, स्काई, प्यारी मीन्स लवली, लाली मीन्स व्हाट यू कैन से ब्यूटीफुल मीन्स रोमांचित, या छाई मीन्स ऑल ओवर, सब तरफ ऐसे फैली हुई है, ऑल ओवर ऐसे धरती पर इतना सुंदर हवा है कि, और आकाश भी इतना सुंदर दिख रहा है, अभी जहाँ भी आप देखोगे तो आकाश ही आकाश आपको दिखेगा, जहाँ नजरें बिछाओगे वहाँ पे आपको आकाश ही दिखेगा। तो यहाँ पे सुबह जब उठते हैं तो सुबह के पर्यावरण को आप महसूस करते हैं, या परिसर को आप देखने के लिए जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार 6 बजे या 6:30 बजे उठ कर जाइए मौका मिला तो परिसर कितना सुंदर, अति सुंदर लगता है, जैसे चिड़िया चहकना चहकना और हवाएं, धीमी हवाएं चलती हुई, और क्या है, सभी तरफ हरा भरा हुआ आकाश, एकदम नीला नीला, सब कुछ अच्छा लगता है। एक बार आप जाके देखकर उसका जहाँ भी आप जब भी जाके आते हैं ना, उसके कंटेंट बना के रखिए, यानी कि जैसे आप छोटा सा कैप्शन बना के रखिए कि आपने क्या देखा है और क्या महसूस किया है पर्यावरण को देखकर, उसके बारे में आप एक 10 लाइन लिखकर रखिए, ठीक है। अभी है धरती ने प्यारी छतरी पाई, धरती को क्या हुआ है, जैसे आकाश जो है वो धरती पर पूरी छाई हुई है और उसको एक अम्ब्रेला की तरह फील हो रहा है,
और माँ क्या कह रही है, देखो उठो बाहर, देखो कितना चारों तरफ आकाश फैला हुआ है, जैसे दिख रहा है कि धरती के ऊपर आकाश ने छतरी पकड़ा है करके, ऐसे वो अपने बेटे को समझा रही है। ये है सेकेंड प्यारा का अर्थ। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं अभी यहाँ पे आपको डिक्टेट कर दूंगी, वो भी आपको लिख कर लेना है, ठीक है। तो यह है डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। चिड़िया मीन्स क्या है, बर्ड्स। चहक मीन्स ट्वीट। पेड़ों पर मीन्स, पेड़ मीन्स ट्री, पेड़ों मीन्स ट्रीज, ठीक है। बहने यानी कि फ्लोइंग, क्या बह रही है, हवा, ठीक है। अति, अति मीन्स वेरी। सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे सुंदर ऐसे भी लिखा जाता है, या तो न निकाल कर यहाँ पे बिंदु भी दिया जा सकता है। नभ मीन्स क्या है, स्काई। न्यारी मीन्स लवली। छाई मीन्स ऑल ओवर। धरती मीन्स लैंड। और छत्र मीन्स अम्ब्रेला। पाई मीन्स गॉड। ये हो गए सेकेंड पैरा के डिफिकल्ट वर्ड्स। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट पैरा के डिफिकल्ट वर्ड्स और सेकेंड पैरा के डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको अपने क्लास वर्क में उतारना है। और जैसे ही ये पद ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको क्वेश्चन आंसर्स को लिखना कैसे है करके आपको सिखा देंगे। तब तक के लिए आपको ये क्लास वर्क में उतारना है और मॉर्निंग 6:30 को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है और वहाँ पे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है। वो उसके आपको जानना है कि वो आपको कैसे फील हुआ, बाहर का पर्यावरण देख के आपको क्या महसूस हुआ, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या नया लगा, इसका आपका 10 लाइन का आपको बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।